अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप मौजूद हैं मेरे साथ हंसना मनाए की एक और एपिसोड में। तो शुरू करें। वाला पाकिस्तान तो बजाएं तालियां। अब आपको है तो है, मैं क्या उखाड़ सकता हूं। हाजिर आजाद, आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, बिला शुबा एक डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप नरेटर हैं, जो भी काम करते हैं उसके मास्टर बन जाते हैं। तो ऊंची होंगी आज तालियों की आवाज। Put your hands together for Shahzad Nawaz। बस सबको 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 5,000 रुपए मेरी तरफ से शहजाद भाई देंगे। अब शहजाद भाई, शो की रिवायत सी है कि जो भी मेहमान आता है पहले शेर सुनाता है और फिर तशरीफ रखता है। ठीक है, तो आता हो। उन्हें ये खौफ के हर बात मुझसे कह डाली। वाह। उन्हें ये खौफ के हर बात मुझसे कह डाली, मुझे ये वहम कि कोई बात अभी बाकी है। वाह। मुझे ये वहम कि कोई बात अभी बाकी है। प्लीज हैव अ सीट। शहजाद भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा हैंडसम आदमी। शहजाद भाई, शुरू से शुरू करेंगे। जी जी। आप लोगो बनाते थे, लोगो मतलब ये लोगो जो होते, तो फिर चैनल्स के लोगो बनाने लगे और मैंने ये सुना है गालबन जियो का लोगो भी जी आपने डिजाइन किया। जी। और न्यूज का जो म्यूजिक है वो भी आपने कंपोज किया। मैंने प्रोड्यूस किया। आपने प्रोड्यूस किया, माशाल्लाह से भाई। जियो का जो लोगो है जीम, वो शहजाद भाई ने बनाया, और उस पर जो न्यूज पे आप सुनते हैं जिसपे लगता है कुछ बड़ी खबर आने वाली है, वो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और ओवरऑल जो पर्सोना है जियो का, कैसे दिखेगा, कैसा लगेगा, किस तरह के कलर्स होंगे, स्क्रीन लुक जिसको कहते हैं, वो आपने जी। तो चाहे मैं एक न्यूज चैनल हूँ, अपने सरापा में एक न्यूज चैनल हूँ, मैं क्या चीज मेरा लोगो बन सकती है, कोई ऐसी चीज जो टीवी बताई जा सके? आपको तो न्यूज चैनल करना ही नहीं चाहिए। मुझे करना, ये काम ही नहीं करना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए साहब भाई? जो कर रहे हैं यही करते रहना चाहिए। यही करें। बहरहाल कॉमेडी सेंट्रल टाइप आप बना सकते हैं। हाँ, कॉमेडी सेंट्रल टाइप। मगर यहाँ पे अगर कॉमेडी सेंट्रल कर लिया तो सेंट्रल जेल मेरा मंजिल बन जाएगी। और भी जेलों के नाम है आजकल मशहूर है। पटियाला जाना पसंद करूंगा मैं। मच जेल भी है। नहीं, मच टू मच। अच्छा भाई, हम तो बातें करते रहेंगे, पूरा इंटरव्यू मेरे पास और आपके बारे में बहुत सारे सवाल आते, मगर ये लोग पड़े पड़े बासी और इनके पास भी बेहतरीन सवाल आते। सबसे पहले इनके पास चलेंगे और फिर आप इंटरव्यू वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरसलान है। अरसलान, आप क्या नाम है? मैं मेडिकल बिलिंग की जॉब करता हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में। माशाल्लाह भाई, वाह। मेडिकल बिलिंग? जी, मेडिकल बिलिंग। इट्स यूएस कैंपेन। यूएस? और कोई डिटेल है? यस। कोई और मालूमात जो मुझे चाहिए हो आप दे नहीं रहे हो। अरसलान को सवाल। अच्छा, आप 25-30 साल से इंडस्ट्री में हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि लेडीज तब भी आपकी फैन थी और अब भी फैन है, इसके पीछे क्या रीजन है? ये इसको मैं क्या कह सकता हूँ जी, परस्तार तो परस्तार होते हैं। किसी को कोई रोल पसंद आता है, किसी को कोई अदा, किसी को कोई चीज़, ये तो डिपेंड करता है। और ऑडियंस तो हमेशा से आपके साथ रहती है। अगर आप सीनियर्स को देखें, हाँ, चाहे इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, तो आज बल्कि एक फिनोमेना है जो अब नहीं होता, असल वो था। जैसे आपको आज भी मिलेगा वहीद मुराद फ़ैन क्लब, जी 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 जी, जी। मोहम्मद अली फ़ैन क्लब, ग़ुलाम मोहिउद्दीन फ़ैन क्लब। तो एक्चुअली तो फैंडम जो होती थी वो आज तो कुछ भी नहीं है, जो उस जमाने में होती थी। बात। फैंस हैं वो आपके तरीके का हुलिया बनाते थे। एल्विस प्रेसले इज अ ग्रेट एग्जांपल। वेगस में तो पूरी एल्विस प्रेसले नाइट होती है। लेकिन ऐसा है ना शहजाद भाई के फैंस तो एक चीज होती है, कंसिस्टेंटली जो क्रश रहे हैं आप ओवर द इयर्स फॉर लास्ट 30 इयर्स, ये फिटनेस माशाल्लाह, ये पर्सनैलिटी, ये मेंटेन करने के लिए कोई मोटिवेशन है या बस ये नेचुरली हो ही चले जा रहे हैं? नेचुरल है। नेचुरल है। हर आदमी यही कहता है जो मेहनत कर भी रहा हो। नहीं, मेहनत तो हर चीज़ में करनी चाहिए और अपने साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स। तो किसी चीज़ का ज्यादती है तो आई बिलीव के खाने का अपने साथ खाना भी अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपनी एज यू ग्रो ओल्ड आप तो अपने साथ आप इनवाइट कर रहे हैं। सही बात।
प्रॉब्लम्स को तो मैं समझता हूँ कि मैं आई ईट हेल्दी, नॉट दैट आई एम ऑन एनी डाइट, आई ईट, आई एम अ फूडी, आई कुक myself. Very nice. And I enjoy cuisines. खुदा की नेमत है, मैं enjoy करता हूँ. मैं भी बहुत healthy होना चाहिए. मैं भी बहुत healthy खाता हूँ. जब तक ऐसी गाय ना हो ना, healthy गाय. मैं पूरी खा जाता हूँ. ऐसी. Very nice. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, आप जनाब. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जी अरसलान खान. क्या करते हैं अरसलान? मैं बिजनेस करता हूँ. बिजनेस करते हैं, किस चीज का काम? मेडिकल बिलिंग का काम है मेरा. आपका भी यही काम है? वाह भैया. लेकिन मेरा अपनी कंपनी है मेडिकल बिलिंग की. अच्छा, आपने फौरन से ये क्लियर कर दिया कि मैं उनसे बड़ा सा आदमी हूं. सवाल पूछ, पीछे वाले को चाहिए आगे वाले को रेज्यूमे भेज दे. वाह भाई, सवाल करेंगे. शहजाद साहब से सवाल है जी मेरा. मैं सर ये इस तरह है कि आप भी खुद भी एक राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं, खुद भी लिखते हैं. कभी ऐसा हुआ कि किसी के लिखे हुए पे आपने एक्ट किया हो और आपने ये महसूस किया हो कि इससे अच्छा तो मैं खुद लिख सकता था? तो होता होगा. बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. मैं अपने ड्रामों में जुमला तब्दील करता हूँ, खुद लिखता हूँ. ज़्यादातर बदलना पड़ता है क्योंकि उसकी जो बुनत होती है, अल्फाज जो होते हैं, मैं समझता हूँ उसमें जो एक फ्लो होता है ना, वो मिसिंग होता है. तो मैं डायरेक्टर से पूछ के उनकी मंशा से फिर उसके अंदर तब्दीली करता. नाराज तो नहीं होते राइटर डायरेक्टर के? जब सीन में जो आप करना चाह रहे हैं उसका मफहूम डिलीवर हो रहा है तो राइटर डायरेक्टर कभी माइंड नहीं करता. ऐसे राइटर्स हमारे यहाँ हैं जैसे खलीलुर्रहमान कमर साहब हैं, लेकिन वो जुमला ही इतना पुख्ता लिखते हैं कि आपको बदलने की जरूरत नहीं, काम पक्का करके, बल्कि आप रश करते हैं कि काश ये मैंने लिखा होता. वेरी नाइस. अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? कविता. कविता क्या करती हैं? आई एम बैंकर. बैंकर हैं आप, माशाल्लाह. कोई सवाल करेंगे? मेरा सवाल सर से है कि मेरी हसरत है कि आपको देखें कोई किसी, मतलब आप किसी ड्रामे गरीब रोल करें, क्योंकि जब भी आपने कभी रोल किया है ना वो अमीर अग्रेसिव और पर्सनालिटी वाइज किया है. अब बड़े अमीर आदमी, अमीर आदमी वाला रोल किया है. बैंकर की हसरत है कि आपको गरीब दे. बहुत अच्छा जुमला. हर बैंकर की जो हसरत होती है वो एक कैपिटलिस्ट सवाल है, बड़ा कैपिटलिस्ट सवाल है. आपकी शायद नज़र से ना गुजरा, उसका नाम है कादर भाई सुपरस्टार. और वो इस मुल्क का एक अलमिया ये है कि जब ड्रामा कर रहे होते हैं तो जो आर्टिस्ट किसी एक सीन या चंद सीन्स के लिए बुलाए जाते हैं, जिनके पास कई बार मकालमा भी नहीं होता, जुमला नहीं होता, उनको एक्स्ट्रास कहा जाता है. बिल्कुल. तो ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर की और पाकिस्तान में जो जिन लोगों को शौक होता है एक्टिंग का, जिनको यहाँ टैलेंट कहा जाता है, टैलेंट तो बड़ा रिस्पेक्टेबल है ना जी, एक्स्ट्रास कहते हैं. तो एक्स्ट्रा ले आओ, बड़ी तजलील होती है. और उस लफ्ज के अंदर मैं समझता हूँ, उनकी सेल्फ इस्टीम में समझता हूँ. तो मैंने वो एक कैरेक्टर प्ले किया है और बहुत बिलीवेबल है. अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका क्या नाम? ज़ीशान रामे. रामे क्या करते हैं आप? ज़ीशान सर मैं जर्नलिस्ट हूँ. जर्नलिस्ट है माशाल्लाह जी. क्या खबर लाए? खबर आज तापू चश्मी के शो में बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. आज आप तो खबर हैं खुद हैं जी. जी कोई सवाल बताएं. सवाल मेरा शहजाद साहब से है कि सर इंडस्ट्री का हर बड़ा एक्टर जो है वो ये चाहता है कि आप उसके बाप बने, कैसा लगता है? सर कई बार बाप बने आप. तो, हर कोई किसी ने आपसे ये तो काश आप मेरे अब्बू होते. एक्चुअली ऐसा सच नहीं है. हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हैं, क्योंकि जब कहानी लिखी जाती है तो उनको ये लगता है कि अगर आप खिजाब शिजाब ना लगाएं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बाप के किरदार में, आपका दिल नहीं धड़कता. आपको शौक नहीं है? क्योंकि यहाँ कास्टिंग जो है, शौक का तो मैं नहीं कह सकता, इट्स वेरी शॉकिंग. शॉकिंग, वेरी शॉकिंग. लेकिन मैं समझता हूँ कास्टिंग हमारे यहाँ कमज़ोर है. कास्टिंग पे हम तवज्जो नहीं देते. हम अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के जो बबल है ना उसके अंदर अब हम देखते हैं कि इसको कास्ट करो, इसकी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. हालांकि ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, सुपरफिशियल चीज़. अलबत्ता मैंने और रोल्स भी ऐसे किए हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव हैं. एक फिल्म के अंदर मैं इवेंचुअली उस मुल्क का, जो मुल्क दिखाया उसका सदर बन जाता हूँ और वहां पे मैं तब्दीली लाता हूँ. फिर जेल जाते हैं या नहीं? ये दूसरे तो वो पहला पार्ट था. अच्छा, पहला पार्ट था. पहले पार्ट तक तो मैं बन गया हुआ था. हाँ, और जो मुल्क मैंने दिखाया उसमें सदारती निज़ाम था, उसमें पार्लियामानी निज़ाम नहीं था, लिहाजा वो ऐसा वो फर्क था.
इस तरह के बहुत मैंने रोल्स किए। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि जो मुझे पिछले दिनों जितने ड्रामे 2-3 मैंने किए हैं और अब अभी मैं एक कर रहा हूँ जो शूट हो रहा है, वो दिखाते ही बाप हैं। लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ लगी इस बार, मेरे हर ड्रामे में वो स्टोरी ऐसी बनाते हैं कि या बीवी छोड़ के जा चुकी है या वफात पा गई है, इस बार वो एक्चुअल थी। तो मैंने पूछा, मैंने उससे पूछा, वो एक्टर जो मेरी मेरी रील वाइफ बनी है ड्रामे में, मैंने कहा वादा करें आप सेट से जाएंगे ही नहीं आप ड्रामा ख़त्म करा के जाएंगे। तो हाँ, हमारे इंडस्ट्री के एक और जो मशहूर वालिद हैं वो हैं मोहम्मद अहमद साहब जी। बिल्कुल, वो इतनी बार मुझे मिले कि यार मैं तो अब पूछता हूँ कि भाई मैं कब मरूंगा इस एपिसोड में, वो इतनी बार माशाल्लाह स्टीरियोटाइप कर देते हैं हम, ये हमारा ये फॉल्ट है। हर कोई लीड, अब जहाँ पे जितने लड़के बैठे हैं तकरीबन सभी लीड में आना चाहते होंगे, लेकिन मेथड एक्टिंग या कैरेक्टर रोल्स करने के लिए काफी कम लोग अग्री करते हैं खुद से, तो ये प्रोड्यूसर की गलती है या एक्टर ही नहीं आ रहे? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ही गलत है लीड। जिस वक्त कैमरा आप पे और आप परफॉर्म कर रहे हैं और आगे कोई सपोज़ेड लीड भी है, इफ यू हैव योर स्क्रीन प्रेजेंस, इफ यू नो हाउ टू डू योर जॉब, आप ले जाते हैं स्क्रीन। सही बात, आप जब कैमरा आप पे वो लीड आप है। जैसे अमिताभ बच्चन अभी भी लीड रोल्स कर रहे हैं बागबान जैसी फिल्म में, भी बड़ी उम्र का आदमी लीड रोल। तो लीड हमारे यहाँ जो हीरो का कॉन्सेप्ट भी गलत है ना, अगर आप हॉलीवुड को देखते हैं तो हीरो बनते ही 40 के बाद है ना जी। यहाँ पे हम समझते हैं कि आंखें हरी हों, बाल सुनहरी हों बंदे के, यहाँ 40 के बाद तक हीरो भी रंग गोरा हो तो लोग तो अब वो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं सफेद होने के। अच्छा ये हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। आप भी थोड़े गोरे? नहीं नहीं, मैं बगैर मैं करते मैं इंजेक्शन। अच्छा मुश्किल सवाल पूछूंगा सर, आप और हुमायूं सहित अब आसपास के जी, एक ही दौर के जी, और दोस्त साल का फर्क है, दोस्त भी हैं। आई थिंक मेरे से 3-4 साल छोटा है, छोटे ही होंगे जी जी। मगर अगर मैं हुमायूं भाई को बोलूं कि अब आपको बाप बनना है शो में वहाज अली का जी, डू यू थिंक ही वुड एग्री? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल, मेरा कोई भी दोस्त चाहे और भी है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, ये सारे हम एक ही एज ग्रुप के हम कंटेम्पररीज हैं। इजाज असलम हो गए, फैसल कुरैशी सब आप? हाँ फैसल तो अब बाप बन लेता है, फैसल भाई इज अ गुड एक्टर, लेकिन वो एक्टिंग के भी बाप ही हैं। बिल्कुल, और वो गुड एक्टर है, वो रोल देखता है और वो देखता है कि इसमें मेरा मार्जिन कितना है, उसको ये फर्क। देखें अगर मैं स्क्रीन पे मिसाल है बाप आ रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे समझ नहीं आई। तो काफ़ी लोग इसको समझते हैं कि हमारा करियर जो है वो डिक्लाइन होगा, हालांकि अभी जो मैंने लास्ट बाप का किरदार किया है उससे तो मैं तो उस तरह रिवर्स शूट हो गया। तो यू नो इट जस्ट डिपेंड। हाँ भाई अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या करते हैं? सर मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। मैथ्स कॉम कर रहे हैं जी, हो जा रही है आपसे? शुक्र है अल्लाह का, बस कर लेते सही चल रहा है। वेरी नाइस। सवाल ताबिश भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ, तो जब आगे फील्ड में जाते हैं तो ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं कि जिनको ओवरकम करना चाहिए, और अगर वो डिफिकल्टीज ओवरकम नहीं हो रही तो हम उन पर किस तरह काम करके उन्हें ओवरकम कर सकते हैं? अबे ये बड़ा पला लिखा सवाल है। ये तो बड़ा आपने जेनेरिक सवाल कर दिया। मैथ्स कॉम का मतलब क्या है? ऑब्वियसली मीडिया सवाल इतना नहीं, मीडिया प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। मीडिया का मतलब तमाम ज़राए इब्लाग है ना, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? तो मैं डिफिकल्टी बताऊं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं एंकरिंग कर रहा हूं, तो मुझे अगर थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, तो मतलब मैं किस तरह प्रैक्टिस करूं ताकि मैं उस चीज में प्रोफेशनल और परफेक्शन हासिल कर लूं? देखिए मेरे पास ऐसी बहुत मिसालें हैं जो शुरू में बुरे या एवरेज अल्फाज, मैं इतने वो कैमरे के साथ वो इतने उनकी कंफर्ट नहीं था उसमें। कामरान खान साहब एक जी जी जी, और मुझे याद है कि हमें रिहर्सल्स करानी पड़ती थी और वह ऊ करते हैं आज भी। लेकिन आप देखें जहानत में नादिया खान, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो फंबल करती थी जैसे अभी हुआ था अपना ताबिश से, उन्होंने अपने फंबल को अपना सिग्नेचर बना लिया। सही बात, राइट? तो इसके लिए कोई ऐसा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो चीज आप दिल से करेंगे, जो चीज उसके अंदर खुद ब खुद आपका अपना एक सिग्नेचर यानी आपका एक ना मुनफरिद एक अपना तरीका होगा अदायगी का, बात का। किसी को देख के करेंगे तो वो मेरा ख्याल वो बेहतर नहीं होगा। अगर आपने अमूमी सवाल किया जनरली, तो उसका जनरल आंसर तो यही है। बचपन में ना मुझे भी बोलने का बड़ा प्रॉब्लम था, ऐसा क्लियरिटी नहीं थी बोलने के अंदर,
लेकिन कोशिश मैं करता था कि मैं स्टेज पर मौजूद रहूं हर वक्त। और देखो सारों सबको ना कोई डर, ये डर डिफरेंट नहीं होते, आपको मीडिया का डर नहीं है, आपको कैमरे का डर नहीं है, आपको फेलियर का डर है। मैं कैमरे के सामने बैठूंगा, मैं यार गलत बोल दूंगा, तबाह हो जाऊंगा, फेलियर जो है ना वो डर है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ भाई अभी फेलियर को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं फेलियर मानता हूं, अब ये नहीं कि इतना अच्छा लगने लगा कि जानबूझ के फेल हो रहे हैं। यार मुझे बहुत मजा आता है। हाँ दियो दा वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, आसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। जॉनी चार्ली लग रहा है, ब्रावो नहीं लग रहा। नहीं यार ये बहुत वैसे आप चेंज कर, हेयर स्टाइल वही है, हेयर स्टाइल तकरीबन, थैंक यू, वही आप वाकई एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपना जॉनी दिखाएं आप। यार वो बहुत जल्दी है, 5। वाओ। हाउ डू यू नो, वेलकम बैक टू आस्का बनाए। मेरे साथ मौजूद है शहजाद नवाज। शहजाद भाई वक्त हुआ है कि आपकी आपकी एक्टिंग स्किल्स हमने देख ली हैं, आपकी डायरेक्शन हमने देख ली है, हमने आपकी स्केचिंग स्किल्स टेस्ट करनी है। मुकाबला ये नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, मुकाबला ये है कि आप मुझसे कितना बुरे हैं। ठीक है, होगा ये कि मेहनत करनी पड़ेगी काफी है? आपसे बुरा होने के लिए मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर आएगी एक तस्वीर, जैसी तस्वीर आएगी 5 सेकंड लगेंगे वो तस्वीर गायब हो जाएगी। ये लोग काउंट डाउन शुरू कर देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। एक सेकंड और मुझे ड्रॉ करना है और मैं भी करूंगा। अच्छा, हम दोनों का मुकाबला है। तस्वीर गायब हो जाएगी और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। दिखाओ भाई। अच्छा ये क्या है यार? अच्छा ओए। घोड़ा कैसे होता है यार? वो बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत जल्दी चला गया। जी जी आपने क्या बनाया? इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। नॉट बैड, नॉट बैड, तो नहीं हो सकता। वाह भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं हेल्दी खाना खाता हूँ, घोड़ा भी मैंने हेल्दी सा बनाया। नहीं, आई लाइक इट सीरियसली। आई होप ये आप फ्रेम कराते हैं। जी जी, हमारी हॉल ऑफ वॉल ऑफ फेम है, उसमें हम। अच्छा, एक और आएगी जी। जब तक मैं साबित नहीं कर दूंगा मैं बहुत बुरा हूँ। देखो बेटा, लेकिन यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ये तो ज्यादती है, 5 सेकंड यानी मतलब ये कौन दिखाया था? बाबर आजम थे? जी जी। ऐसे तो स्केच करना तो बहुत डिफिकल्ट है। यार आप अभी तक कर रहे हैं? साइन कर रहा हूं। अच्छा हाँ, अरे शहजाद भाई आप दिखाएं। नहीं ये दिखा देता हूं लेकिन नहीं, नॉट बैड। एटलीस्ट ये तो लग रहा है किसी इंसान की बनाई। नहीं ये लेवल ही और है। मेरी बहुत बुरी शहजाद भाई, बस एक आखिरी, कहीं शक ना रह जाए। क्या? हाँ बच, दिखाओ। अरे 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 जॉनी ब्रावो। हाँ ये तो आप। Yeah.
जॉनी चार्ली लग रहा है, ब्रावो नहीं लग रहा। नहीं यार ये बहुत वैसे आप चेंज कर रहे हैं, हेयर स्टाइल वही है, हेयर स्टाइल तकरीबन है कि वही आप वाकई एक मोटिवेशनल स्पीकर। फिर आप अपना जॉनी दिखाएं आप। यार वो बहुत जल्दी है, फाइट। वाओ, यहाँ पे लास्ट वाली पे साइन कर दीजिएगा जरूर, ये हम 5-5 लाख की बेचते हैं आखिर में। पर साइन भी इतना आर्टिस्ट है कि आपका उर्दू उर्दू माशाल्लाह। अब उर्दू भी करते हैं चेक बैक पे साइन? जी उर्दू। वेरी नाइस सर, ये तो बहुत अच्छा। तो अभी मैंने बहुत कम फिल्में सिनेमा में देखी हैं और इत्तफाक देखी है कि मैंने चमेली सिनेमा में देखी है। चमेली 2013 में गालिबन रिलीज हुई और वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था और थ्रिलर था, पॉलिटिकल थ्रिलर था और तकरीबन उस जमाने के पॉलिटिकल सिनेरियो से बड़ा मिलता जुलता था। तो ये स्टोरी आपने बताई उन लोगों को या उन्होंने खुद सोची हुई थी? इत्तफाक है, जब मैं कर रहा था ये जियो फिल्म्स ने रिलीज की थी और आपके जो सेवन स्काई के अब्दुल्ला कादवानी हैं वो को प्रोड्यूसर थे। जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो जितने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, अच्छे बड़े नामवर जैयद होस्ट जो हैं, वो मुझे कहते थे ये आप ना बनाएं क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। और ये पहली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी के दौर की और 2013 के इलेक्शन आने थे, तो मैंने बनाई इस यकीन के साथ कि इलेक्शन टाइम अप्रैल में ही होंगे, टाइम पे होंगे। और बनाई, इत्तेफाक ये है कि उसमें जो जो दिखाया गया, आने वाले जो सियासी वाकयात पाकिस्तान में रोनुमा हुए, आने वाले अगला एक साल पूरा धरने तक, वो जो 126-127 दिन का धरना था, 126 days आई थिंक, वहाँ तक और बल्कि शादी तक, एंड में शादी दिखाते हैं, मैं जब सदर बनने से पहले शादी भी कर लेता हूँ। तो लोगों ने इसको बड़ा प्रोफेटिक कहा था कि इसमें बड़ी प्रोफेसीज हैं पूरी हो गई। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था उसमें वो जब स्पीच करता था वो इस तरह उंगली खड़ी करके बात करता था, ये मुझे समझ नहीं आई। आपको देख के तो नहीं सीखा उन्होंने? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन इट वाज वेरी क्लोज टू व्हाट वाज हैपनिंग और व्हाट हैपेंड। इट हैपेंड, यानी हमने एक वीडियो बनाई प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस की, एक तरफ हमने फिल्म के सीन्स लगाए और एक एक जगह हमने एक्चुअल पाकिस्तान में जो हुआ सिम्पसन इफेक्ट, यानी आप मुशाहिबत इतनी है कि आप हैरान होंगे। और वो पूरे नेक्स्ट 1-1.5 साल तक जो पॉलिटिकल पाकिस्तान के हालात थे वो प्ले आउट हुए उसी तरीके से। कोई रिपरकशंस तो नहीं हुए? किसी ने कहा तो नहीं ये क्या बना दिया तुमने, क्यों मनाया, कौन हो तुम? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारे सियासतदान जो हैं उनकी जेबें बड़ी हैं पर उनकी बर्दाश्त और दिल बहुत छोटा है। आपको लगता है उनकी ईगोज छोटी हैं? बहुत बहुत छोटे हैं सबकी, तकरीबन तकरीबन तकरीबन। अच्छा आप खुद मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर? जी मैं रह चुका। तो शराब भाई पूछूंगा आपसे, आप हुकूमत में भी रहे, कुछ मतलब ऐसा कुछ किया मतलब जिसे कहते हैं हमारी जुबान उखाड़ा? मैंने बहुत कोशिश की, जब मैं गवर्नमेंट में गया हूँ तो 1.5 साल रह गया था हुकूमत का और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं, तभी मैं टीवी पे नहीं नजर आया फीते, मेरे पास चॉइस थी ना, या फीते काटूं या काम कर लूं। मैं समझता था बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपना बाकी काम, उजरत, मुआवजा सब छोड़ के गया था, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, और ज़रूरी नहीं है मैं सियासत के लिए बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको उनकी ज़िंदगी में ये मौका मिले कि वो मुल्क के लिए बातों से आगे कुछ कर सकें, प्रैक्टिकल कर। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लिहाजा क्योंकि मैं नहीं कर पाया, मेरा यानी रिग्रेट भी उससे बड़ा है, मेरा बहुत पछतावा है क्योंकि बीच में फिर नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया और गवर्नमेंट चली गई। लेकिन मुझे 24 से 48, और मैं बोलता हूँ बताता हूँ लोगों को, मुझे नहीं पता लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे तो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल आ जाता था, क्योंकि आप बेहतरी की जब बात करेंगे और आपको पता होगा कि ये वो काम आप कर रहे हैं जिसमें पैसे की ना गुंजाइश है, ना आपने पैसा बनाना है, ना आपका ये मकसद है, तो मेरा रिग्रेट बहुत बड़ा है। जो करना चाहेगा वो कर लेगा। वो उखाड़ने वाली बात ना, मुझे आपने जो बोली है, आपने तो अजराए मजाक की है, वाकई दिल को लगी, इसलिए कि शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, गॉड इज़ द बेस्ट प्लानर, इंसान तो प्लानिंग करता है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं करना चाहता था आर्ट्स, मैं समझता हूँ ये हमारा इंट्रेंसिक प्राइड जो है ना, ये आर्ट एंड कल्चर से आता है। सही बात, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत सही बात।
ब्रेक ले लेता हूँ, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे पास। सवा 3000 लीजिए, छोटा सा ब्रेक, वापस आइए। हंसना मनाया कहीं नहीं जाएगा। किस मेटल है, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक है, सॉलिड है? सॉलिड स्टेट इसकी सॉलिड है बस। और मतलब कुछ लोग कहते हैं यार ये, कुछ लोग एक्ट्रेस को भी कहते हैं यार ये तो बिल्कुल उस जैसा है। ऑब्जेक्ट है, एक्ट्रेस उस जैसे हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार उसकी एक्टिंग देख के लगता है ये बिल्कुल वो है। पत्थर? पत्थर। Welcome back to Hasna Manaya. I'm in conversation with Shahzad Nawaz. Shahzad bhai, titliyan. तितलियां नजर आती हैं आपको? और नहीं, नजर क्या आती हैं, आप जहाँ होते हैं वहाँ तितलियां कहीं ना कहीं से निकल आती हैं। बचपन में ऐसा होता था, अब तितलियां आपके इर्द-गिर्द नहीं मंडराती। आती हैं, अभी आती हैं कम। तितलियों से ना मुझे शहजाद भाई हमेशा सोहेल वड़ाई से याद आ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के सवाल करते थे, आप तो खूबसूरत भी हैं, टीवी पर काम भी करते हैं, तितलियां तो मंडलाती होंगी, लेकिन आप तितलियां लिटरली मंडलाती हैं। बचपन में होता था, बहुत होता था, और ये वो फिनोमेना है जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। आई वॉज 4-5 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी चीज़ें जब खिलौने गुम जाते थे तो मैं अगर कमरे से बाहर जाऊं, और कमरा एक नहीं कोई भी घर का, तो जब मैं वापस आता था तो मेरे खिलौने गुम जाते थे, और बड़े बहन भाई स्कूल वगैरह गए हुए होते थे तो मैं ढूंढता था घर में, तो कहीं ना कहीं और से मिलते थे, कभी किसी अलमारी से, छत्ते से, किसी और कमरे से, दराज से। वाओ, जहाँ से भी वो खिलौने मिलते थे तो तितलियाँ निकलती थी साथ। अच्छा, अब आप वाली बात जो है, मिल जाते थे खिलौने लेके? हाँ जी, वहाँ से ही मिलते थे, और तितलियाँ 10-12-8। वाओ, ओके। तो ये अगर सिर्फ मुझे नजर आई होती तो हो सकता था इट्स अ क्लासिक केस ऑफ हलूसिनेशन, हलूसिनेट कर रहा हूँ। हमें भी दिखाई, ये तो सारे लोगों ने देखा है। अच्छा, दूसरे लोगों ने भी देखी? जी जी, सब ने देखा। कहीं पता करने की कोशिश की, कभी चेस किया इस चीज को कि यार बहुत क्या बहुत है? कोशिश की, कुछ नहीं मिला। नहीं, नहीं। एक किसी ने थ्योरी दी थी कि तितली जो है सेंट पे आती है, बू पे आती, फ्रेग्रेंस है, पे आती है, तो इंसान के कई ऐसी सिक्रीशन होती है आपकी बॉडी की जो सेंट होती है, तो वो तो मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि जब मैं स्प्रिंग होता है, बहार होती है, मैं जाता हूँ तो तितलियाँ आती हैं, और मुझे वैसे भी एक दो साथ चलती हैं मेरे, मैं जब, लेकिन फिर वो अगर सेंट पे आती हैं तो वो तो बाहर आएंगी ना, बंद घर के अंदर, और 10-10, 12-12 निकलना, ये बड़ा किसी खास रंग की होती हैं या अलग अलग होती हैं, ब्रीड भी होती है तितलियों की अलग अलग? अगला पूछेंगे उनका मोबाइल नंबर क्या है, ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे मतलब वो तितलियां रंगीन जैसे होती हैं, कोई एक खास नहीं है, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट। और ये बहुत अरसा ये सिलसिला चला, शायद अब भी आती है अगर अभी मैं खिलौनों से खेल रहा होता भाई। ऐसा है शहजाद भाई, ये तो आपने पिछले शो और शो से नहीं बताई, अब जो मैं करने वाला हूँ वो आपने कहीं नहीं किया। अच्छा, इस सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद तो आपके मुल्क की हुकूमत की तरह आपकी आंखें बंद कर दी जाएगी, आप खुद करेंगे, और यहाँ पर एक तस्वीर आएगी किसी शख्सियत, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने एक सेकंड, ठीक है, इस स्क्रीन पे, लेकिन मैं देख नहीं देख नहीं सकते। आपसे सवाल करेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। कितने सवाल करूंगा मैं? आप करते चले जाएं जब तक आपको पहुंचा नहीं। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत, इसमें भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, कैसे कर लेते हैं ये? इसकी उजरत मिलती है। उजरत दिखाओ भाई, बहुत आला जी, बहुत आला सर, ये मैंने लगा दिया। ठीक है जी। हाँ, ये क्या कोई चीज है, इंसान है, ये एक जगह है? जगह है। हाँ, ये जगह फर्जी है या असली है? एकदम असली है, पाकिस्तान में जगह जगह है ये। यार ये आप बड़े ट्रिक क्वेश्चंस करते हैं, मुझे पता है। ट्रिक हिंट्स हैं सर, क्वेश्चंस। अच्छा, तो आप कर रहे हैं। तो हिंट दे ना फिर कोई। अभी तो दी कि जगह जगह है। जगह जगह है। हाँ। ये ट्रैफिक साइन है? नहीं, ट्रैफिक साइन नहीं, ट्रैफिक साइन। अक्सर इसका कोई साइन नहीं होता, वो अचानक से होता है। यार लोग हंस भी रहे हैं, या जरूर सब भुगते हुए हैं, सब भुगते हुए, हम सब भुगते हैं। ये जगह है? ये एक जगह है। हवालात है? नहीं, हवाला इसके बाद हवालात आती है। अच्छा, अगर आपके पास कुछ है तो इसके बाद हवालात। अगर आपके पास कुछ है तो इसके बाद हवालात। कोई हिंट दीजिए ना। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर अक्सर लोग ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं। पता है आपकी हिंट्स में, लेकिन जब मुझे ऑडियंस की हंसी आती है ना, हाँ, तो मुझे लगता है कि आप जो है ना प्ले अप कर रहे हैं। नहीं, प्ले अप नहीं कर रहा। हाँ। मैं आप जब आप देखेंगे ना ये चीज, तो आप कहेंगे तुम्हारी, तुम हक में थे। इसको देखते हैं ना, अबे लोग कहते हैं अबे यहाँ नहीं, फिर भी रुकना पड़ता है।
यहाँ नहीं यहाँ से कटने की कोशिश करते हैं, यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, मगर चारों ना चार रोक लिए जाते हैं। जगह है पाकिस्तान में, जगह जगह है, दुनिया में भी होती है। अच्छा, दुनिया में भी होती है, दुनिया में जब होती है। इसके बाद आपने कहा हवाला आता है। हाँ, अगर कुछ है तो, अगर कुछ है तो यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो आपको सूंघ भी ले। आपको सूंघ ले? सूंघ ले। पाकिस्तान में अक्सर पहले सूंघते हैं फिर बात करते हैं। क्या मुझे वाकई नहीं समझ आ रही। स्टेज हम कुछ बातें कर रहे थे, आपने कहा और उसने दिल पे हाथ रख के बता दिया। ओ, पुलिस का नाका। पुलिस का नाका देखे पूरा। नहीं, ये तो देखें, मैं तो आपको पहले ही हवालात से। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, पुलिस इनको ही पता है, पुलिस वाले दिल पे हाथ रख के बता देते हैं अंदर कुछ है कि नहीं। दैट वाज ब्रिलियंट बाय द वे, मैं आई एडमायर पंजाब पुलिस। अच्छा, दूसरा ये सर कि मैंने आपको बताया, देखें यहाँ पे लोग रुकना नहीं चाहते मगर जबरदस्ती रुक लिए जाते हैं। इसके बाद कुछ निकल आए तो हवालात। हाँ, अगली तस्वीर लगाओ बेटा। आपकी हिंट्स अच्छी थी, नो डाउट, आप सही कह रहे थे। मैं वाह वाह वाह, आ गई सर एक और चीज। ये चीज है, ये चीज है। इसका ताल्लुक खाने पीने से है या लोग इसको खा भी चुके हैं? पीना इम्पॉसिबल है, खा चुके हैं। यार ये जब हंसते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। नहीं, ये खाने खा चुके हैं, मैंने भी खाए हुए हैं। चीज है यानी कोई ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। किस मेटल है, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक है? सॉलिड है। सॉलिड स्टेट इसकी सॉलिड है बस। और मतलब कुछ लोग कहते हैं यार ये, कुछ लोग एक्ट्रेस को भी कहते हैं यार ये तो बिल्कुल उस जैसा है। ऑब्जेक्ट है, एक्ट्रेस उस जैसे हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार उसकी एक्टिंग देख के लगता है ये बिल्कुल वो है। पत्थर। पत्थर। यार दिस इज गुड। थोड़े आई लाइक इट। उधार ले, बहुत आला भाई, बहुत आला। शहजाद भाई, अभी नाके का जिक्र हो रहा था, एक बार आप इस्लामाबाद से गालबन वापस आ रहे थे, नाके पे पुलिस ने रोक लिया। जी, क्या हुआ? वो एक्चुअली लेट था नाका, तो अच्छी बात है, सर्च भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसको उस वक्त जो मेरा हो गया था, उसको लगा कि ये जो है इधर आप नाके के लिए मौजू हैं, मैं मौजू हूँ और कोई काम बन जाएगा, तो उसने मेरी पूरी सर्च की, तो मैंने सर्च करा दी। उसके बाद उसने कहा कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं। कहाँ छुपाते? मतलब है खुदा को मारे। तो उसके बाद उसने वॉलेट भी चेक किया, तो मैं समझ गया जब वॉलेट को उसने ढूंढा कि वो अब तो कुछ निकल ही आएगा, सब्सटेंस ढूंढ रहा है कोई। जब वहां भी नहीं मिला, तो उसने अचानक मेरे दिल पे ऐसे हाथ रखा। जब हाथ रखा तो मुझे समझ नहीं आई, बाद में मुझे समझ आई, वो दिल की धड़कन चेक कर रहा था कि तेज है तो उसके पास है। एंड आई थॉट इट वॉज ब्रिलियंट, लेकिन उसका जवाब उससे ब्रिलियंट था। जब उसको ये भी नॉर्मल लगी, तो उसने हाथ उठा के कहता है, बहू यार तू वड़ा पक्का एक्टर। यानी उस पर भी वो ये मानने को तैयार नहीं था, आई एम क्लीन। उसने कहा यार तुम ऐसे बड़े एक्टर हो गए, तुमने दिल तुम्हारा नॉर्मल चल रहा है। तो मुझे ये बड़ा स्ट्रेंज भी लगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये पंजाब पुलिस का खासा है, बड़ा मजेदार है कि उसने चेक किया वो लाइट डिटेक्टर की तरह के दिल अगर तेज धड़क। मैंने कराची में होते हुए देखा है, हम गाड़ी में ईद के ऊपर चांद रात पे सारे लौंडे लपाड़े जिसे कहते हैं ना, आठ आठ लड़के मेहरानों में छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं, चांद रात पे लड़के नहीं जा रहे होते, आधी खिड़कियों से निकले हुए गोदों में बैठे हुए, पुलिस ने रोक लिया। अब हम सारे लड़के शरीफ थे, हमें से एक था जिसको शौक था। अच्छा, अब हमें पता नहीं था, हम लोग कर नहीं रहे थे, उसके जूते में रखा हुआ था। ओह, अब जनाब पुलिस ने रोका, चेकिंग वेकिंग की हम। अच्छा, जब कुछ ना होना तो लड़के और शरारते करते हैं पुलिस के साथ, भाई जन मेरा मुंह सूंघे मुझे चेक करें, इस तरह करते ना हम लोग, करना चेक कर अगर हिम्मत है। अच्छा, वो थोड़ा ऐसा मजाक नहीं कर रहा था, जबकि सबसे ज्यादा चुलबुला वही था। तो एक पुलिस वाला उसके पास आया, कहने लगा चेक वेक किया, कुछ नहीं मिला। उसने यूं दिल पे हाथ रखा थोड़ी देर, कहने लगा जूते में इसके। वाओ, और जूते में था। तो पुलिस वालों को, भाई जब इतना अच्छा काम कर सकते हो तो करते क्यों नहीं हो? करते करते, लेकिन इस जगह जगह दिल पे हाथ भी तो नहीं रख सकते, जा रहे हैं छापा मारने दिल पे हाथ सामान खा रखा है। भाई जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर आप इतने कमाल की शख्सियत है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं कमाल की बात करूँ। आप कमाल की बात करें और सिर्फ ये बता दें कि हम सबको एज अ नॉर्मल सिटीजन जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई ज़ाहिर बात है पावर भी नहीं है आवाम के पास इतनी खास, हमारे वोट भी कोई इतने मीनिंगफुल नहीं रहते, क्या करना चाहिए हमें? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो अपने अंदर से शुरू करना चाहिए। अगर आप ठीक हैं तो आपके साथ होगा अच्छा, कर भला सो हो भला। मैं मेरी ज़िंदगी गुजर गई जी, मुझे तो ऐसा सच को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरे साथ बुरा हुआ हो। सही बात है, क्योंकि
जो कारमा होता है ना वो घूम के आता है, इट्स फुल सर्कल. तो मैं समझता हूँ कि बस सिर्फ अगर हम ये समझ लें कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ बदल सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं समझता हूँ वो अपने बारे में नहीं बदल सकते. एक अपनी वल्दियत, हाँ, कि जिसके हाँ पैदा हुए, और दूसरी अपनी वतनियत, जिस जगह पैदा हुए. तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, वल्दियत और वतनियत, तो मैं समझता हूँ वो जो आपके अंदर एक आपका जो होता है ना फख्र, वो उजागर होता है. अगर आपको, मेरा तो ये सबके लिए मैसेज होता है. थैंक यू, रिमेंबर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए. आप टीवी पर जब मैं आपको देखता था तो मैं घर से बड़ा डरा हुआ आया था यार, शहजाद भाई बहुत सीरियस और बहुत ही. मैं हूँ एक्चुअली, आई एम सॉरी, और आप हैं. मैं उस तरह का नहीं शो शायद आपके साथ कर पाया जिसके आप यूज्ड टू हैं, गपशप वासना खेलना. आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12. आप जल्दी सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़.